सो नाउ स्टूडेंट हेयर कमा वेरी आई वाई टू गिव वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वॉट इज़ आर प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड आई विल नॉट गो टू द ट्रेडिशनल डिटेल्स बड़ा आसान सा कि हमने अभी ये देखा कि एक स्प्रिंट को कैसे मैनेज करती यानी एक टीम एक स्प्रिंट को कैसे लेके चलती है क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं अब एक हाई लेवल पर आ जाए कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर तीन या चार टीम पैरल में काम कर रही है मतलब एक से ज्यादा स्प्रिंट है तीन चार स्प्रिंट्स पैरल में चल रही है तो बेसिकली प्रोग्राम मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि तीन चार स्प्रिंट का स्टेटस भी तो कहीं हमें मालूम होना चाहिए ना अभी एक स्प्रिंट का स्टेटस हमें डेली स्टार्टअप से पता लग जाता है या डेली स्टैंडअप से पता लग जाता है कि कौन से टीम मेंबर क्या कर रहा है अब अगर हम एक लेवल हायर चले जाएं तो हमें अब यह भी मालूम करना है कि मल्टीपल जो टीम्स हैं वो बेसिकली उनका स्टेटस क्या है तो हम इसको बोलते हैं स्क्रम ऑफ स्क्रम स्क्रम ऑफ स्क्रम से मुरादी होती है कि जो एक पर्टिकुलर स्क्रम थी तो उसके अंदर सारी की सारी टीम इन्वॉल्व थी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रम मास्टर योर प्रोडक्ट ओनर एंड टीम स्क्रम ऑफ स्क्रम के अंदर सिर्फ स्क्रम मास्टर्स गैदर होते हैं यानी अगर आपकी पांच स्प्रिंट्स पैनल में चल रही हैं या आप यूं कह लें अगर पांच आपके पास आपके पास स्क्रम मास्टर हैं तो स्क्रम ऑफ स्क्रम ये होता है कि ये अमूमन कोई आप कह लें इंजीनियरिंग मैनेजर या कोई सीनियर रिसोर्स फ्रॉम हायर मैनेजमेंट इस मीटिंग को लीड करता है और इसके अंदर सारे के सारे स्क्रम मास्टर्स मौजूद होते हैं अब इस मीटिंग के अंदर हम रिसोर्स लेवल डिस्कशन नहीं करते यानी हम ये नहीं कहते कि अली ने आज क्या टास्क किया या कासिम ने आज क्या टास्क किया नहीं वो हम डेली स्टैंड अप में कर चुके हुए हैं हैं अब इस मीटिंग में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्प्रिंट की ओवरऑल हेल्थ क्या है हमारे पास कोई हर्डल तो नहीं है क्या सेल्स वालों से कोई इनपुट हमें रिक्वायर्ड है या कोई एक पर्टिकुलर डेवलपर सही काम नहीं कर रहा एंड सो ऑन मतलब ये एक स्टेप हायर है फ्रॉम ट्रेडिशनल स्क्रम ये आपको बहुत कम मिलेगा डॉक्यूमेंटेड वे में यानी हर कंपनी इसको डिफरेंट तरीके से करती है यानी अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि इसके कोई स्टैंडर्ड रूल्स बता दें इसका कोई स्टैंडर्ड रूल है नहीं एक्चुअली तो सारे के सारे स्क्रम मास्टर एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं स्क्रम मास्टर के अलावा और रिसोर्स को हम डिस्टर्ब नहीं करते और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एज फार माई एक्सपीरियंस गोज अगर ये डेली हो बीस पच्चीस मिनट की या इवन पंद्रह मिनट की ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है लेकिन ये डे के स्टार्ट पे नहीं होती ये अमूमन आप समझें मिड डे या आफ्टर uh, मतलब इवनिंग में कह लें आई uh, मीन I mean, uh, uh, कुछ कंपनीज इसको डेली करती हैं इवनिंग में uh, कुछ कंपनीज बाय वीकली कर लेती हैं क्योंकि इसके अंदर आपको पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर आपने डिटेल में नहीं जाना आपने हाई लेवल के ऊपर डिस्कशन करनी है कि ओवरऑल वेयर वी स्टैंड टर्म्स ऑफ स्प्रिंट रीजन मल्टीपल स्प्रिंट की सेम नहीं होगी तो हर स्प्रिंट की जो नेचर है इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन रिसोर्स भी डिफरेंट है तो दे विल मीन बहुत कम होता है कि एक ही दिन में दो या तीन स्प्रिंट डिलीवर करनी हो बहुत कम होता है एक्चुअली तो डेट्स भी डिफरेंट होती है रिसोर्स भी डिफरेंट होते हैं स्कोप भी यानी जो टास्क है वो भी डिफरेंट होते हैं बट Without, program, uh, without a program management, there is no other way to get the overall picture what is going on in the company from the engineering viewpoint.